Hi, welcome back to Sevi Diary. So this blog is in continuation of the previous blog in which we did parasailing at Nusa Dua. और अभी हम लोग जा रहे हैं टर्टल आइलैंड के लिए. हमें एक छोटा सा बोट राइड लेना होगा. एंड दिस राइड इज मेड ऑन द बोट हैविंग अ ग्लास बॉटम टू हेल्प यू सी अ क्लियर व्यू ऑफ द अंडर वाटर. एज यू कैन सी, विराज कैन सी लॉट ऑफ फिश हियर. विराज को लग रहा है कि वो फिर से हमें पैरासेलिंग के लिए तो नहीं लेके जा रहे. सो इज बिट लाइक स्केप्टिकल कि अभी मुझे कहाँ लेकर जा रहे. बट वी आर टेकिंग हिम टू अ टर्टल आइलैंड जहां पर हमको टर्टल्स दिखाएंगे. एंड लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन सी देयर. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी गरुड़ विष्णु कंचाना स्टैचू राइट देयर, जो कि आइकॉनिक सिंबल है बाली का. सो जस्ट अबाउट टू रीच, हमें यहां से दिखने लगा है आइलैंड. विवेक को भी थोड़ी सी बालीनीज लैंग्वेज आ गई है, इतना टाइम आते हुए बाली में. तो हाटी हाटी मीन्स बी केयरफुल. अभी विराज के लिए हर चीज नहीं है. अभी उसने इंडिया में ट्रैवल किया था पूरे 2 साल तक. एंड दिस इज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल. तो हर दिन उसके लिए नया होता है, हर जगह उसके लिए नई होती है और हर एक्टिविटी उसके लिए नई होती है. Oh my god, there are so many turtles here. So this is an excellent place to see turtles so closely. Aur bacche ke liye specially. So now you can feed here these turtles. और उसने पहली बार टर्टल्स देखे हैं. दैट्स रियली वेरी समथिंग न्यू टू हिम कि इस तरीके का भी कोई एनिमल होता है. बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वाइल्ड में कोई एनिमल या बर्ड देखो से पहले वो इस तरीके से अगर एनवायरनमेंट में देख लेता है तो ही गेट फेमिलियर टू दैट एनिमल. और यहाँ पे छोटे छोटे बेबी टर्टल्स भी है. अभी हमने इतने बड़े बड़े टर्टल्स देखे थे. सो दे आर ऑल साइज ऑफ टर्टल्स हियर. बताया गया कि ये टर्टल 200 इयर्स ओल्ड टर्टल है. तो हमने बिल्कुल छोटे छोटे बेबी टर्टल्स देखे और यहाँ पे 200 ईयर ओल्ड टर्टल भी देखा है. यहाँ वी गॉट टू सी दिस व्हाइट टर्टल एज वेल. तो यहाँ पे इतनी वैरायटी के टर्टल्स हैं. अदर देन टर्टल्स देयर आर सो मेनी बर्ड्स हियर एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो. एंड यू कैन टच देम, आप उनको अपने साथ अपने ले सकते हो. इतने क्लोजली आप उनको वॉच कर सकते हो, स्पेशली बच्चों के लिए, इतने छोटे बच्चों के लिए इतना पास से वो इससे फेमिलियर हो सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. And now there's iguana here. Hello, baby. Hello, cheese. Camera, camera.
Monster lizard. Where have you seen monster lizard? So we really enjoyed visiting this turtle island. It was really fun and learning experience for Viraj. कि उसको यहाँ पे इतने सारे animals, birds, turtles, reptiles से interact करने को मिला है and he got to see so many new things here. So now after visiting turtle island, we are going to beach. So again a small boat ride and from there we'll go to Kuta first. We will have our dinner and let's see if we can do some shopping also. तो हम लोग कूटा मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी सारी शॉप्स जो बंद दिख रही हैं, कुछ रेनोवेशन के अंदर हैं. सो विल सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग वेयर वी कैन बाय समथिंग. Hard Rock Hotel. So this was the famous club. Yeah. Hard Rock Cafe. Famous club in Kuta, in Ski Garden, and in Bondi. This place is really good for shopping. यहाँ पे हर तरह की shop है. Local अगर आपको कोई shopping करनी है, तो branded shops भी हैं यहाँ पर. यहाँ पे अच्छे restaurants भी हैं काफी. So yes, it's a good place for evening. And your purpose too, purpose lion. This is? Yeah, purpose lion. This is famous throat for the Australian. Oh. When you stay here. Okay, Australians stay here? Yeah. After doing some shopping, now we have reached Indian restaurant here in Kuta. It's Spice Mantra and it's one of our favorite restaurant in Bali. तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इंडियन वेजिटेरियन फूड मिलेगा विच इज रियली टेस्टी. हमें बहुत पसंद है यहाँ का फूड. सो व्हेनेवर वी कम टुवर्ड्स दिस साइड वी ट्राई टू कम हियर एंड हैव अ डिनर हियर. आप इंडिया से बाहर हो और आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इंडियन फूड मिल जाए दैट टू वेजिटेरियन, तो उससे बढ़कर और क्या होगा. क्योंकि हम लोग ने ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल किया है जहाँ पे हमें इंडियन फूड तो क्या वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल होता था, बट बाली इज अ प्लेस जहाँ आपको इजिली इंडियन फूड और दैट टू वेजिटेरियन आराम से मिल जाएगा. So after having dinner, now we are ready to go back to our resort. तो ये ऐसा होता है बाली में कि हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं 8 or 9 o'clock और हमें घर पहुंचते पहुंचते फिर रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते अगेन इट्स 8 to 9 हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा लंबा में डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पर. This is airport. So again one more exciting and adventurous day spent here in Bali. So now we'll see you in the next vlog from Bali only. Thank you.